तेंदुए की मौत हो गई। रायसेन की वन विभाग टीम को एक मृत तेंदुए के पड़े होने की जानकारी मिली, जिसके बाद वन विभाग कर्मचारियों से अमरावाद नर्सरी लेकर आए, जहां वेटनरी डॉक्टर ने तेंदुए का पोस्टमार्टम किया। वेटनरी डॉक्टर ने पोस्टमार्टम के बाद प्रथम दृष्टया भूख प्यास एवं हीट स्ट्रोक से तेंदुए की मौत होना बताया। वन विभाग के मुताबिक 15 दिन से मुरेल गांव के आसपास इस तेंदुए का मूवमेंट था। अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी जंगल में जानवर भूख प्यास से मर रहे हैं। वहीं वन विभाग की लापरवाही की हद देखिए, जब तेंदुए का पोस्टमार्टम किया जा रहा था तब मौके पर वन विभाग का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था। बाद में DFO की मौजूदगी में तेंदुए का अंतिम संस्कार किया गया। भारत सरकार की संरक्षित सूची में आने वाले बाघ, तेंदुआ आदि जानवरों के रख रखाव के लिए हर साल करोड़ों रुपए का बजट लाकर जंगल में इनके लिए खाने और पीने का इंतजाम करने का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आज इस भीषण गर्मी में प्यास के कारण संरक्षित प्रजाति का एक तेंदुआ मारा गया, जबकि इन जैसे जंगली जानवरों के लिए संरक्षित जंगल में हर 2-5 किलोमीटर के बीच पानी के कृत्रिम कुंड का निर्माण किया गया है। गर्मियों के दिनों में स्थानीय वन कर्मियों की इसमें जिम्मेदारी होती है। वन विभाग इसके लिए सालाना लाखों रुपए खर्च भी करता है ताकि जंगलों में विचरण करने वाले यह जानवर प्यास से ना मर जाए, लेकिन रायसेन जिले के वन विभाग की लापरवाही के कारण भीषण गर्मी में एक तेंदुए ने भूख और प्यास से दम तोड़ दिया, जिसका खुलासा पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर स्वयं कर रहे हैं। लेकिन अब जरा वन विभाग के अधिकारियों की सुनिए, किस तरह अपने कर्मचारियों की कारगुजारी के ऊपर पर्दा डाल रहे हैं। वन मंडल अधिकारी का कहना है कि तेंदुए की मौत बुजुर्ग होने के कारण प्राकृतिक रूप से हुई है। काफ़ी बूढ़ा हो गया था, उम्र 14-15 साल के लगभग रही होगी। मेल तेंदुआ था तो प्राकृतिक मृत्यु है उसकी, और जो प्राथमिक जो लक्षण पोस्टमार्टम में लगे हैं तो उसमें अत्यधिक हीट और भूख के कारण ऐसा लगता है कि कुछ संक्रमण हो गया होगा। तेज धूप पड़ रही है, तेज टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो उसमें सनस्ट्रोक का मामला प्रथम दृष्टया लग रहा है, हीट स्ट्रोक। उसमें उसके और भी लीवर में भी प्रॉब्लम है, स्प्लीन भी बढ़ा हुआ है, तो इसका प्राकृतिक मृत्यु से प्राकृतिक कारणों से इसकी मृत्यु प्रतीत हो रही है। तो क्या भूखा प्यासा रहने की वजह से कल्ला में? हाँ, इसके पेट में कुछ भी नहीं मिला जो है। अच्छा, पानी भी नहीं है उसमें और ब्लड भी गाढ़ा है, तो ऐसा लगता है कि पानी नहीं मिला इसको काफ़ी टाइम से। स्टमक भी खाली है, पेट के अंदर भी ज़्यादा मटेरियल नहीं है।